डियर स्टूडेंट्स, युवाम की इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी में आज जो हमारा चैप्टर है वह है यूज ऑफ हैव टू, हैज टू, हैड टू या विल हैव टू, मे हैव टू। जैसा कि आप जानते हैं, जो काम हम रोजाना करते हैं, बार बार करते हैं, या कहना चाहे हमारा रूटीन है, जनरल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शंस हैं, तो हम इनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। या बीते हुए समय में क्लियरली किसी काम के हो जाने को अगर हम बताना चाहें तो हम इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आने वाले टाइम की जो एक्शंस हैं, जो इवेंट्स हैं या कुछ प्रिडिक्शंस हैं आगे आने वाले टाइम को लेकर, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल का यूज करते हैं। साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि वर्तमान समय में अपना मालिकाना हक या फिर अपना पोजीशन किसी भी चीज़ पर दिखाने के लिए हम लोग हैज हैव का यूज़ मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव ए न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है। आई हैड ए बिग हाउस, मेरे पास एक पुराना मकान था। आई विल हैव ए बिग हाउस नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष मेरे पास एक बड़ा मकान होगा। तो वर्तमान में, बीते हुए समय में या आगे आने वाले टाइम में हमारे स्वामित्व में, हमारे मालिकाना हक में, हमारे अधिकार में कोई चीज़ है या कोई चीज़ हमारे पास थी या कोई चीज़ हमारे पास होगी, इनके लिए हम लोग हैव का यूज़ एक मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे थे। मेन वर्ब से मेरा तात्पर्य है जब कोई वर्ब अकेले अपने आप में सेंटेंस में पूरा मीनिंग बताए तो वह मेन वर्ब है। जैसे हैज हैड बेसिकली मेन वर्ब के रूप में जब यूज करते हैं तो ये अकेले ही अपना पूरा मीनिंग एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे आई हैव ए कार, आई हैड ए कार, आई विल हैव ए न्यू कार, तो इस तरीके से ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। साथ में आपको मैंने ये भी बताया था हैज हैड में कि ये परफेक्ट टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। जैसे कि आई हैव सीन दिस मूवी, मैं ये मूवी देख चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम, आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। आई विल हैव रीच्ड बॉम्बे बाई टुमारो इवनिंग, कल शाम तक मैं बम्बई पहुँच चुका होऊंगा। तो इन परफेक्ट टेंसेज में हैज हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और इनके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण यूज है कि इनका मॉडल वर्ब्स के रूप में यूज करना। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग मॉडल वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ये हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बेयर इन्फिनिटिव बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम लोग हैज टू का यूज करेंगे, पास्ट है तो हम लोग हैड टू का यूज करेंगे, और अगर फ्यूचर है, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ पे सभी में हैव टू का यूज करेंगे। और अगर वर्तमान में किसी काम के होने की कोई काम करना पड़ सकता है तो फिर हम लोग मे हैव टू का यूज करेंगे। पर ध्यान दीजिए, ये हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, मे हैव टू, जब हम इनको मॉडल वर्ब्स के रूप में यूज करते हैं तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, क्योंकि टू पहले आ चुका है और वैसे भी नियमानुसार सामान्यतया टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है कि टू के बाद जेरंड के रूप में वो आपके आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अल्टीमेटली जब मॉडल वर्ब के रूप में हम लोग हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू का प्रयोग करते हैं, तो यदि हम किसी बाहरी दबाव के कारण, मींस वी आर कंपेल्ड बाय समबडी टू डू समथिंग और वी आर फोर्स्ड बाय समबडी टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति द्वारा या बाहरी सिचुएशन के कारण किसी दबाव में, किसी बाध्यता में अगर हम कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना पड़ेगा,
तो ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग हैव टू हैज टू का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हैव टू हैज टू हैड टू का मॉडल वर्ब के रूप में कुछ और भी प्रयोग हैं जो मैं डिटेल में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ध्यान दीजिए, हैव टू हैज टू एक तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, हैड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, विल हैव टू मे हैव टू और विल हैव टू कहा तो ये फ्यूचर है। यहाँ पर जिस नियमानुसार या एज पर रूल्स, जो भी रूल्स हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को, फ्यूचर इंडेफिनिट को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया था, वही रूल इनको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी और साथ में इस मजबूरी वाले में और साथ में कुछ एकाद स्ट्रक्चर क्या अंतर है वो समझते हैं। आइए, आपके सामने बोर्ड पर मैंने पहले इस फर्स्ट सेंटेंस में तीन सेंटेंस दिए हैं। पहला सेंटेंस है वी वर्क हार्ड, दूसरा है वी हैव टू वर्क हार्ड और तीसरा है वी आर टू वर्क हार्ड। ध्यान दीजिए, यह अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट वी है इसलिए वर्क हार्ड किया। यदि ही शी होता तो हम कहते हैं ही वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। ऐसे काम जो हम रोज करते हैं, बार बार करते हैं, आदतन करते हैं, हमारे रूटीनड एक्शंस हैं, या कहना चाहिए कुछ जनरल ट्रुथ है, या रोजाना हम कोई काम करते हैं तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। इसलिए यहाँ पर वी वर्क हार्ड ये एक आपके रोजाना का काम है या आपकी आदत है, कोई किसी प्रकार का भारी दबाव नहीं है, यानी हम कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरा ध्यान दीजिए, वी हैव टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर हैव टू का प्रयोग हो गया। जब हैव टू का प्रयोग कर दिया इट मीन्स इस वी का कड़ी मेहनत करने की इच्छा नहीं है, पर उसका कोई कंपल्सन है, कोई बाध्यता है, कोई मजबूरी है। मीन्स वी आर आइदर फोर्स्ड और कंपेल्ड बाय समबडी टू वर्क हार्ड। वो सिचुएशंस हो सकती हैं जिनसे आप दबाव में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई अगर आपको जीवन में सफलता चाहते हो तो आपको कड़ी मेहनत करना है, तो आप सफलता चाहते हो तो एक तरीके से ये दबाव है, नहीं करेंगे तो असफल हो जाएंगे। तो इस वाले सेंटेंस में एक तरीके से हम पर यानी वी पर यह काम करने का कोई दबाव है, कोई बाध्यता है, कोई मजबूरी है। और हिंदी में इसके अलग अलग भाव हो सकते हैं, लेकिन भाव सबका एक ही है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, अनुवाद अलग अलग हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे वी हैव टू वर्क हार्ड तो हिंदी में कह सकते हैं हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप ये भी कह सकते हैं हमें करनी कड़ी मेहनत करना है, ये भी कह सकते हैं हमें कड़ी मेहनत करनी होती है, और ये भी कह सकते हैं हमें कड़ी मेहनत करनी ही है। अब ये चाहे आपको अंदर से कोई दबाव महसूस हो या कोई बाहर की परिस्थितियां, बाहर का व्यक्ति के कारण से दबाव महसूस हो, पर इसमें आपकी विलिंगनेस नहीं है। ये आप रूटीनली ये काम करते हैं, हैबिचुअली करते हैं, लेकिन यहां पर इस काम को करने के लिए आप कोई बाध्यता या दबाव महसूस करते हैं, आपकी खुद की कोई विलिंगनेस नहीं है। यहां पर यह हैव टू, ध्यान दीजिए, मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। किसके रूप में? मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। अब तीसरे सेंटेंस पे आइए, वी आर टू वर्क हार्ड। अब इसका मतलब ये है कि हमें कड़ी मेहनत करना है। ये नियर फ्यूचर दिखाता है, यानी आने वाले समय में, यानी नियर फ्यूचर में हमको कड़ी मेहनत करना है। प्रेजेंट में है लेकिन दिखाता क्या है? फ्यूचर दिखाता है। इसमें यानी इस बी और सी में अंतर यह है, जब कहते हैं वी हैव टू वर्क हार्ड इट मीन्स इसमें आप पर कोई दबाव है, कोई बाध्यता है, कोई मजबूरी है, आपकी विलिंगनेस नहीं है कड़ी मेहनत करने की। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है
ये एक इंटरनल आपको सजेशन है या आपकी विलिंगनेस है कि आपको कड़ी मेहनत करना है। तो यहां पर किसी का दबाव नहीं है, इसके अंदर बाहरी कोई कंपल्सन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अंदर से महसूस हो रहा है या आपकी अंदर से विलिंगनेस है कि हमको कड़ी मेहनत करना है, पर इसमें क्या है, दबाव है। तो इन दोनों सेंटेंस में जो अंतर है मीनिंग में, हिंदी में शाब्दिक अनुवाद दोनों का एक जैसा हो सकता है। आप इसको भी कह सकते हैं हमें कड़ी मेहनत करना है, और इसको भी कह सकते हैं हमें कड़ी मेहनत करना है। दोनों का शाब्दिक अनुवाद एक जैसा कर सकते हैं, पर एक हिडन मैसेज है कि वी हैव टू वर्क हार्ड में आपकी विलिंगनेस नहीं है, और सी वाले सेंटेंस में आपकी विलिंगनेस है। ये तीनों सेंटेंस मैंने लिखे तो प्रेजेंट में है, लिखे तो प्रेजेंट में है ये तीनों सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंपल्सन यानी मजबूरी और बाध्यता दिखाता है, और यह है तो प्रेजेंट में लेकिन फ्यूचर एक्शन को दिखाता है कि निकट भविष्य में हम कोई काम करने वाले हैं, तो वी आर टू वर्क हार्ड। अब आइए सेकंड, तीनों पास्ट में है, जैसे वी वर्कड हार्ड, हमने कड़ी मेहनत की, यानी क्लियरली ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम एक्सप्रेशन अगर पास्ट का दिया हुआ हो तो 100% पास्ट इंडेफिनिट होता ही है, लेकिन अभी भी नहीं है तो भी ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। वी वर्कड हार्ड, हमने कड़ी मेहनत की या हमने कड़ी मेहनत की थी। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, वी हैड टू वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी या हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। शाब्दिक अनुवाद दोनों तरीके से हो सकता है, क्लियर। अब एक डिफरेंस समझने के लिए पहले मैं बता दूं, इन दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ है, बस इसमें दबाव है, इसमें विलिंगनेस है, लेकिन जब इन पास्ट की बात करें तो इन दोनों के मीनिंग में दिन रात का अंतर है। जब कहा वी हैड टू वर्क हार्ड, इट मीन्स हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ी या कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, यानी ये सिंपली पास्ट का एक्शन दिखाया कि हमको ये काम करना पड़ा। लेकिन सी देखिए इसका, वी वर्क टू वर्क हार्ड, इसका अर्थ यह है हमको कड़ी मेहनत करनी थी। अब या तो हमने कड़ी मेहनत की नहीं इसलिए ये बात कह रहे हैं, और की तो उसके जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो रिजल्ट नहीं मिले, तो इसका मतलब इसमें सर्टेनिटी नहीं है। इसमें 100% सर्टेनिटी है कि हमने कड़ी मेहनत की थी, इसमें कड़ी मेहनत करनी तो थी, तो छिपा हुआ या हिडन मैसेज क्या है, यानी हमने कड़ी मेहनत नहीं की। ये और क्लियर होगा नीचे दे हुए सेंटेंस है, तीन नंबर पे देखिए। पहला सेंटेंस है राम केम हियर यस्टरडे, राम यहां कल आया, राम यहां कल आया, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, और हम कहना चाह रहे हैं कि 100% सर्टेनिटी के साथ कि यस यस्टरडे कल राम आ गया। दूसरा है राम हैड टू कम हियर यस्टरडे, राम को कल यहां आना पड़ा, तो राम की इच्छा नहीं थी, विलिंगनेस नहीं थी, उसकी कोई मजबूरी थी, कोई बाध्यता थी, और उसको कल आना पड़ा, यानी कल वो आ गया, पर लेकिन दबाव में आया, बाध्यता के कारण से आया, लेकिन वो आ गया। अब सी सेंटेंस को देखिए, राम वॉज टू कम हियर यस्टरडे, तो मीनिंग है राम को कल आना था। अब इस सेंटेंस से क्लियर नहीं है कि राम कल आया या नहीं आया, मीन्स ही वॉज शेड्यूल्ड टू कम यस्टरडे, उसका टाइम टेबल तो था, प्रोग्राम तो था, प्लान तो था कि उसको कल यहां आना था, तो राम वॉज टू कम हियर यस्टरडे, तो उस प्रोग्राम के आधार पर हमने कह दिया कि उसको कल यहां आना था। अब ये आया या नहीं आया ये सर्टेनिटी नहीं है, अक्सर ये काम नहीं हुआ तभी ये कहा जाता है, तो ये काम हुआ या नहीं हुआ ये सर्टेनिटी नहीं है। सामान्यतः ये काम नहीं हुआ इसलिए कहा जाता है कि आना तो था, आया या नहीं आया ये पता नहीं है,
या फिर वो आया ही नहीं इसीलिए ये सेंटेंस कहा गया। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, ये काम तो हो गया लेकिन ये वाला काम होना तो था, हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी नहीं है। और ये पास्ट के टाइम में कोई फ्यूचर एक्शन या इवेंट को बताता है कि बीते हुए समय में कोई काम होना था लेकिन या तो वो हुआ नहीं और हो गया तो हमें पता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों जगह पर आपको इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको पता चले। तो आपके सामने फिर देखिए सभी में जहां भी हैव टू का यूज हुआ है, पास्ट में हैड टू का यूज हुआ है और इनके बाद आप खुद देखेंगे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम कंपल्सन ऑब्लिगेशन यानी यूज ऑफ हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यानी हमें वर्तमान में कोई काम करना पड़ता है, करना होता है, करना है, करना ही है। हिंदी में अनुवाद अलग अलग है पर इसमें काम करने वाले व्यक्ति की विलिंगनेस नहीं है, उसको किसी दबाव में, मजबूरी में, बाध्यता में ये काम करने पड़ते हैं। तो आइए हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में इनके क्या सिचुएशंस हैं जहां पर हम इनका यूज करते हैं। पहले हैव टू और हैज टू प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट प्लूरल हैं या आई वी यू दे है उनके साथ हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल या आई वी यू दे ही शी सभी के साथ हैड टू का प्रयोग होगा, फ्यूचर में विल हैव टू का प्रयोग होगा और प्रेजेंट में कोई काम शायद करना पड़ सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैनेजर इज नॉट हियर, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, सो यू मे हैव टू वेट फॉर सम टाइम, तो भी हम लोग प्रेजेंट में इसका यूज करते हैं। तो आइए इनकी सिचुएशन देखते हैं कि इनका प्रयोग कब किया जाता है। तो पहला यूज मैंने आपको पहले कहा कि यदि आपको कोई काम करना अत्यंत आवश्यक है, नेसेसरी है, कोई काम अवश्य होना चाहिए, यानी ये बाध्यता या दबाव हिंदी में कह सकते हैं, क्लियर, या फिर कहना चाहिए कि वी आर फोर्स्ड और कंपेल्ड बाय समबडी और समथिंग टू डू ए पर्टिकुलर टास्क, तो हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। जैसा कि वी यूज हैव टू व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड और मस्ट हैपन, और व्हेन वी आर फोर्स्ड टू डू समथिंग, व्हेन वी आर फोर्स्ड टू डू समथिंग और बिकॉज समवन मेक्स अस डू समथिंग और मेक अस डू इट, कि कोई आदमी हमसे वो काम कराता है दबाव में, क्लियर। तो ध्यान दीजिए कि कोई काम करना जरूरी है, अवश्य करना चाहिए, या वी आर फोर्स्ड टू डू समथिंग मींस वी आर कंपेल्ड बाय समबडी और बाय सम सिचुएशन टू डू समथिंग, तो हम लोग हैव टू, हैज टू का यूज करते हैं। हैव टू बेस फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे। यहां पर जब मैं हैव टू कहता हूं तो ये अपने आप में सभी फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्लियर। सेंटेंस देखिए, वी हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ, कि हमें जीवन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना पड़ती है या कड़ी मेहनत करना होती है या कड़ी मेहनत करना ही है, सो वी हैव टू वर्क हार्ड। नहीं देखिए, वी हैव टू रश देयर, हमें तुरंत वहां जाना पड़ता है, अगर ये पास्ट में कर दो तो जाना पड़ा, वी हैड टू रश देयर, यानी आप पास्ट में एक ही बात है, आप मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, तो इसका मीनिंग और अप्रोप्रिएट हो जाएगा, हमको वहां तुरंत जाना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, दे हैव टू पे टैक्स एवरी मंथ, अब उन्हें हर महीने टैक्स देना पड़ता है, ये एक तरीके से
ऑब्लिगेशन है, दायित्व है उनका कि वो कोई काम अवश्य करें हर महीने, कि लिखा ना मस्ट हैपन। नहीं देखिए, यू हैव टू बी केयरफुल वाइल डीलिंग विद कैश, कि जब कैश यानी नगद कैश से अगर आप डील करते हैं तो आपको सावधान होना पड़ता है या होना चाहिए, यानी ये मस्ट के सेंस में यूज हुआ, मस्ट हैपन। नेक्स्ट देखिए, ही हैज टू फिनिश दिस वर्क टुडे। अब यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज टू लगा दिया, ही हैज टू फिनिश दिस वर्क टुडे, उसे ये काम आज ही खत्म करना है, तो किसी के तरफ से दबाव डाला गया, ही हैज टू फिनिश द वर्क टुडे, कि ये काम उसको आज ही खत्म करना है। नेक्स्ट देखिए, दे हैव हैड टू चेंज देयर प्लान्स सडनली। अब ये परफेक्ट टेंस में इसका यूज हुआ है कि अचानक उनको अपना प्लान चेंज करना पड़ता है या करना पड़ा है, तो करना पड़ा है, हैव हैड टू चेंज देयर प्लान्स, तो उन्हें अचानक अपना प्लान चेंज करना पड़ा है, तो चेंज होने का काम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट जैसा यूज है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, द चीफ मिनिस्टर हैड टू रिजाइन ओवर द इश्यू ऑफ करप्शन, कि मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर त्यागपत्र देना पड़ा, हैड टू रिजाइन, तो उन पर दबाव किस चीज का बना, भ्रष्टाचार के कारण से, इसलिए यहां पर हैड टू पास्ट में यूज हुआ। और फ्यूचर में देखिए, यू विल हैव टू स्टार्ट कीपिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स, कि आपको एक विस्तृत रिकॉर्ड रखना शुरू करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू स्टार्ट यानी शुरू करना पड़ेगा, क्या, कीपिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को डिटेल में रखना शुरू करना पड़ेगा, तो यह है फ्यूचर। जैसे मान लीजिए मैं आपको फिर कहूं, जैसे आई हैव टू टीच सम स्टूडेंट्स, मुझे कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाना है, पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाना होता है, पढ़ाना ही है। अब मैं कहूँ आई हैड टू टीच सम स्टूडेंट्स, मुझे कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ा या पढ़ाना पड़ता था, और इसी को फ्यूचर में कहूँ आई विल हैव टू टीच मैनी स्टूडेंट्स टमारो, कि कल मुझे बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा या पढ़ाना होगा, तो ये पहला इंपॉर्टेंट यूज, कि जब किसी दबाव, इसलिए मैंने इनिशियली लिखा था कंपल्सन एंड ऑब्लिगेशन। आइए अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, और ध्यान दीजिए कि यहां पर हम इसका यूज तब भी करते हैं जब किसी कारण से हमको सर्टेनिटी लगती है कि कोई चीज निश्चित रूप से सही है, सर्टेनिटी शो करने के लिए कि ऐसा है ये। जैसे वी कैन ऑल्सो यूज हैव इन ऑर्डर टू से दैट वी फील सर्टेन दैट समथिंग इज ट्रू और विल हैपन, कि जब हमें सर्टेनिटी लगे कि कोई चीज सच है या कोई चीज आने वाले टाइम में सर्टेनिटी है कि होगी, तो भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ नंबर्स का टोटल किया और उस टोटल को आपने अपने लेजर से मिला लिया, अपने अकाउंट से मिला लिया, तो हमने कहा कि यार टोटल तो सही है, सो द टोटल हैज टू बी करेक्ट बिकॉज आई हैव टैलीड इट विद अकाउंट्स। क्यों सही है, क्यों सर्टेनिटी कह रहे हैं, क्योंकि आपने उसको अकाउंट से चेक कर लिया है। अब देखिए कुछ एग्जांपल देखिए, दैट हैज टू बी ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, क्या मान लीजिए कोई समस्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका सोल्यूशन यही है, ऐसे सर्टेनिटी दिखाना चाह रहे हैं। देन देखिए, देयर हैव टू बी सम स्ट्रिक्ट रूल्स टू डील विद क्रिमिनल्स, कि अपराधियों को डील करने के लिए कुछ कड़े रूल्स अवश्य होना ही चाहिए, तो यहां पर मस्ट हैपन वाला यूज है, नेसेसिटी दिखाई जा रही है कि कोई चीज अवश्य होना चाहिए। तो जैसा कि पहले यूज में भी कहा कि नेसेसिटी, कोई काम अवश्य होना चाहिए, तो ये सर्टेनिटी के भाव में है। नेक्स्ट देखिए, देयर विल हैव टू बी एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू द एक्सीडेंट, कि इस दुर्घटना में कोई ऑफिशियल आधिकारिक छानबीन होगी ही या होगी, तो ऐसी सर्टेनिटी है कि कोई काम अवश्य होना चाहिए था
या कोई काम अवश्य फ्यूचर में होगा. नेक्स्ट है, नो वन एल्स कुड हैव डन इट, इट हैड टू बी पीटर, कि इस काम को कोई और नहीं कर सकता, निश्चित ये काम पीटर ने किया है. तो सर्टेनिटी दिखा रहे कि भाई कोई और इस काम को नहीं कर सकता. कौन कर सकता? बस फला आदमी कर सकता है. सामान्य बातचीत हम बोलते हैं, जैसे मान लिया आपकी बुक नहीं है, हमने कहा कोई नहीं ले जा सकता, राम की किताब ले जा सकता, वही आया था. तो 100% सर्टेनिटी दिखा रहे. नेक्स्ट, हाउस प्राइजेज हैव टू गो अप सूनर और लेटर, कि जो मकानों की कीमत है, चाहे अभी चाहे बाद में, सूनर और लेटर बढ़नी ही है. और लास्ट, देयर हैज टू बी ए रीजन फॉर आर स्ट्रेंज बिहेवियर. मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यवहार बड़ा विचित्र हो गया, आप कहते हैं निश्चित ही उसके इस विचित्र बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कारण है. तो इस तरीके की आप अगर कोई सर्टेनिटी बताते हैं, मीन्स यू आर सर्टेन, तो आप कह सकते हैं कि टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी. तो भी आप हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं. आइए अगला यूज देखते हैं इनका. और अगला यूज है कि वी ऑल्सो यूज हैव टू एक्सप्रेस दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट समथिंग हैपन्स, कि ये महत्वपूर्ण कि कोई काम हो, और दैट समथिंग मस्ट हैपन इफ समथिंग एल्स इज टू हैपन. अब मैं देखिए इसको एक एग्जाम्पल बता दूँ. मान लीजिए अभी वर्तमान में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीमा पर लेकर आतंकवादियों के मुद्दे पर कुछ तनाव चल रहा है, तो आप कहते हैं कि शांति वार्ता होने से पहले टेररिज्म पर रोक अवश्य लगना चाहिए. तो कोई एक काम हो उसके पहले कोई अन्य काम अवश्य होना चाहिए. क्लियर? इसीलिए लिखा हुआ है कि वी ऑल्सो यूज हैव टू एक्सप्रेस दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट समथिंग, कि महत्वपूर्ण है कि कुछ चीज अवश्य होए, और दैट समथिंग मस्ट हैपन बिफोर समथिंग एल्स टू हैपन, कि कोई एक काम होने से पहले कोई दूसरा काम अवश्य हो. एग्जाम्पल देखिए, देयर विल हैव टू बी ए कंप्लीट सीज फायर बिफोर द गवर्नमेंट एग्रीज टू टॉक. अब वही बॉर्डर पर कहा गया है कि सबसे पहले बॉर्डर पर कंप्लीट सीज फायर होना चाहिए, गोलीबारी रुकनी चाहिए बिफोर गवर्नमेंट एग्रीज टू टॉक, यानी सरकार बातचीत के लिए राजी हो, इस काम से पहले क्या होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए. जैसे मान लीजिए मैंने कहा आप यहां आए, उससे पहले आप यहां अपनी रहने की व्यवस्था कर लीजिए. तो कुछ काम हो उसके पहले कोई काम आप अवश्य कर लें, तो वही हैव टू, पास्ट में हैड टू, हैज टू, विल हैव टू का प्रयोग नियमानुसार हम लोग करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, वी ऑल्सो यूज हैव टू गिव एडवाइस एंड रेकमेंड समथिंग, खास तौर से सामने वाले व्यक्ति को किसी काम को करने की आप सलाह देते हैं, यानी सलाह एडवाइस, या फिर किसी चीज को आप रेकमेंड करते हैं, अनुशंसा करते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए या करना है. जैसे यू सिंपली हैव टू चेंज योर जॉब, कि आपको अपना वर्तमान जॉब चेंज करना चाहिए, यह नेसेसिटी. सॉरी, हाँ, तो यह नेसेसिटी बताया कि यू हैव टू सिंपली हैव टू चेंज योर प्रेजेंट जॉब, कि पहले आपको अपना जो वर्तमान का काम है उसको बदल लेना चाहिए. तो यहां को एडवाइस या किसी चीज को आप रेकमेंड कर रहे हैं, टू रेकमेंड समथिंग, तो भी किसका यूज करेंगे, हैव टू. जैसे मैंने कहा यू हैव टू लर्न इंग्लिश टू गेट सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सफलता पाने के लिए यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना है, सीखना चाहिए. तो यहां पर ये मस्ट का भाव बता रहा है. क्लियर? तो किसी व्यक्ति को कोई सलाह देने के लिए भी हैव टू का यूज करते हैं. नेक्स्ट देखिए,
have to is also used to tell someone how to do something. अब मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि सर मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अंग्रेजी कैसे सीखूं? तो अब मैं आपको जो बताता हूँ कि सबसे पहले आप ये काम करना है, उसके बाद ये करना है. तो यहाँ जब किसी अन्य व्यक्ति को ये बताएं, टू टेल समवन हाउ टू डू समथिंग, कि कोई काम कैसे करना है. जैसे मान लीजिए मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर वर्ड्स टू लर्न ए लैंग्वेज, कि आपको सबसे पहले भाषा सीखने के लिए शब्द सीखना है या शब्द सीखने चाहिए. तो कोई भी काम जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर वर्ड्स टू लर्न इंग्लिश. तो कोई काम कैसे करना है भाषा सीखने के लिए, पहले शब्द सीखना है. और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मिक्स द फ्लोर एंड द बटर. सबसे पहले आपको बटर को और आटे को क्या करना है, मिक्स करना है. किसी ने कुछ डिश बनाने के लिए पूछा हो, रोटी बनाने के लिए पूछा हो. नेक्स्ट, फर्स्ट यू हैव टू थिंक लॉजिकली टू सॉल्व द पजल, कि सबसे पहले पजल को सॉल्व करने के लिए आपको लॉजिकली सोचना है. तो कोई व्यक्ति को कोई काम कैसे करना है वो स्टेप वाइज स्टेप बताने के लिए भी हम लोग हैव टू का यूज करते हैं. और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी ऑल्सो यूज हैव टू सजेस्ट दैट समवन शुड डू समथिंग यू थिंक इट वुड बी यूजफुल और एंजॉयबल. जब हम किसी व्यक्ति को ये कहते हैं, सुझाव देते हैं कि उसको ये काम करना चाहिए, क्योंकि हमको ये लगता है कि ये काम करना अच्छा होगा. समझ लीजिए मैं ही आपको सलाह दूँ कि आपको अपने अच्छे करियर के लिए अंग्रेजी भाषा सीखना चाहिए. सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर ए ब्राइट करियर. तो यहाँ पर ये एक तरह से सजेशंस दे रहे हैं कि कोई काम करना आपके लिए यूजफुल होगा, यानी अच्छे करियर के लिए फायदेमंद होगा, या फिर इंजॉयबल होगा. क्लियर? जैसे यू विल हैव टू रीड ए न्यूज़पेपर टू एनहेंस योर वोकैबुलरी. आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए क्या करना है, यू हैव टू रीड ए न्यूज़पेपर पढ़ना है. तो ये आपके लिए यूजफुल भी होगा और इंजॉयबल भी होगा. नेक्स्ट, यू विल हैव टू कम एंड मीट द प्रिंसिपल समटाइम, कि आपको कभी आकर प्रिंसिपल से मिलना होगा या मिलना है. शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए सजेस्ट इसलिए करते हैं कि आपको लगता है कि वह काम करना उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद होगा, यूजफुल होगा, या उसके लिए यह इंजॉयबल होगा. क्लियर? आइए इसका एक यूज और देखते हैं. और यह इसका यूज है जब हम एम्फेटिकली जोर देकर कोई बात कहना चाहते हैं, या कोई बात हम स्वीकार कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, कन्फेस कर लेते हैं, तो हम सेंटेंस के बिगिनिंग में कहते हैं आई हैव टू से, आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू कन्फेस. ये जोर डालने के लिए है. इट मीन दीज आर यूज टू शो दैट यू आर मेकिंग एन ऑनेस्ट स्टेटमेंट इवन दो इट मे बी एम्ब्रेसिंग फॉर यू. कि आप स्पष्ट शब्दों में कोई चीज कहना चाहते हैं, भले ही वो आपके लिए एम्ब्रेसिंग हो सकता है, आपको थोड़ा विचित्र स्थिति में डाल सकता है. जैसे आई हैव टू से दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. तो आपने बहुत ही ऑनेस्टली मान लिया कि भाई मुझे इसके बारे में कोई जानकारी, कंप्यूटर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है. तो अब यहां पर एक तरीके से आपने कंप्यूटर के बारे में अपनी अज्ञानता को ईमानदारी के साथ स्वीकार कर लिया, मान लिया. अब भले ही दूसरे लोग आपको एक तरह से कहें कि ये आपकी अज्ञानता की हंसी उड़ाएं, यानी आपको एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में डाल दें, लेकिन आपने उसको सही सही मान लिया. नेक्स्ट है आई हैव टू एडमिट, यानी मैं स्वीकार करता हूं दैट द आइडिया ऑफ मैरिज स्केयर्स मी, कि मुझे शादी के विचार से ही डर लगता है. तो आपने ऑनेस्टली ये चीज मान ली कि आइडिया ऑफ मैरिज स्केयर्स मी,
कि शादी का विचार ही मुझे डराता है। तो इस तरीके से जब आप लोग किसी भी काम को ईमानदारी से मान लेते हैं, भले वो एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो, जैसे मान लीजिए आपसे मैंने पूछा क्या आप अंग्रेजी भाषा बोल लेते हैं, तो आपने ईमानदारी से मान लिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं आता, तो आई हैव टू एडमिट दैट आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब भले ही आपकी कमी मानी जाएगी, आपकी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपने मान लिया। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई आम कोई भी आप काम करते हैं, यह काम आप रोज करते हैं, बार बार करते हैं, आदतन करते हैं, तो ये आपकी डे टू डे लाइफ के कुछ जनरल काम हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कीजिए। पर यदि आपको कोई काम किसी दबाव में, किसी मजबूरी में, किसी बाध्यता में, हिंदी में शॉर्ट में आप यूं ही कह सकते हैं, चाहे रोज करना पड़ता है या अकेजनली करना पड़ता है या बीते हुए समय में करना पड़ा या करना पड़ता था या आने वाले टाइम में कोई काम करना पड़ेगा या काम करना होगा, तो हम लोग हैव टू, हैज टू प्रेजेंट में, हैड टू पास्ट में, विल हैव टू फ्यूचर में इनका प्रयोग करते हैं। और चूंकि इन्हें मॉडल वर्ब्स मानते हैं, तो ये यहाँ पर एक तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज के काम में आते हैं। यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि इनके बाद आपको बेस फॉर्म ही लगानी है। हैव टू, सिंगुलर में हैज टू, पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में विल हैव टू, क्या लगाएंगे इनके बाद? फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, क्लियर। अब हम लोग डिटेल में हैव टू, हैज टू लेंगे, उसके बाद इसका हैड टू लेंगे, उसके बाद विल हैव टू लेंगे। साथ में जैसा कि हम आपको सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर के पांच तरीके के सेंटेंस बताते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चूंकि ये बोलचाल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, काफी प्रयोग होते हैं डे टू डे लाइफ में, और कंपिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से पास्ट में आई हैड टू गो एंड आई वॉज टू गो, दोनों बहुत बड़ा अंतर है। इस दोनों स्ट्रक्चर को लेकर कई बार कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से समझना आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।